हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड फोन में डायल पैड को ऑन करना है। डायल पैड को ऑन करने के बाद में आपको ऊपर सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपको ऑन, अगर आपके फ़ोन में ऑफ हो तो आपको ऑन कर लेना है, तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको डायल पैड से डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक कर लेना है, या फिर आपको स्क्रीन फुल स्क्रीन ऑन कर लेना है। सो कॉन्टेक्ट फोटोज इस तरीके से आपको ये ऑन कर लेना है। यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ पर फ़ोन रिंगटोन, यहाँ से आप फोन रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। अपनी जो भी रिंगटोन चेंज करना चाहें चेंज कर लेंगे। यहाँ पर एडवांस पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे डायल पैड देखने को मिलेंगे साउंड। यहाँ से आपको जितने भी साउंड देखने को मिले, जैसे कि आप यहाँ से ऑन या ऑफ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड ऑन करना है तो ऑन भी इस तरीके से कर लेंगे। तो फिर इस तरीके से यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड सेटिंग, क्लिक कर लेना है। फ्यूचर पे क्लिक करना है। सिम वन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करके कॉल वेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से कॉल वेटिंग कॉल फॉरवर्ड भी कर लेंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर पे आपको क्लिक कर लेना है। ब्लॉक नंबर पे क्लिक करने के बाद में नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट, नंबर नॉट इन योर कॉन्टेक्ट अगर आपके फ़ोन में ऑफ हो तो आप इसको ऑन कर देंगे। जब ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो आपके सारे कॉन्टेक्ट नंबर है उसकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी। और जैसे कि अनऑन नंबर, इसको ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो अनऑन नंबर है उसकी कॉल ब्लॉक हो जाएगी। तो फिर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे। फिर जैसे कि आपने किसी पर्सनल या ऐड नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको ऐड नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वो नंबर यहाँ पर ट्राई कर लेना है। जिस नंबर की आपको कॉल ब्लॉक करना है वो नंबर ट्राई करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लॉक पे क्लिक कर देना। फिर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक करेंगे। यहाँ से बैक हो रहा है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना। यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिले हैं ऑन है, तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सारे ऑप्शन ऑन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में ऑफ हो तो आपको इसी तरीके से सारे ऑप्शन ऑन करना है। तो फिर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करेंगे। इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। तो फिर इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड